नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोहित बत्रा डर्मोवल स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं कि सनस्क्रीन का किस तरीके से उपयोग करें, कैसी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें और ऐसी कई गलतियां जो कि आप करते हैं सनस्क्रीन यूज करते हुए वो ना करें, कि आप पैसे खर्च रहे हैं सनस्क्रीन लगा रहे हैं और वो आपको धूप से बचाने के बजाय कहीं खराब तो नहीं कर रही। पहली बात, सनस्क्रीन ये बहुत देखा गया है कि लोग समझते हैं जितनी महंगी सनस्क्रीन उतनी अच्छी, ऐसा नहीं है। यदि आप सनस्क्रीन का लेबल पढ़ें तो सबसे पहले ये देखें कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होनी चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यानी उसके अंदर यूवीए और यूवीबी दोनों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एसपीएफ जो है वो सिर्फ यूवीबी की मात्रा बताता है, यूवीए के लिए बूट स्टार रेटिंग होती है। अगर किसी सनस्क्रीन की 4 या 5 बूट स्टार रेटिंग है तो वो अच्छी यूवीए प्रोटेक्शन भी आपको दे रहा है। सनस्क्रीन ना केवल टैनिंग से बचाने के लिए होता है बट स्किन कैंसर से भी बचाता है, इसीलिए ये दोनों चीजों जब यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन आती है तो कंप्लीट सनस्क्रीन बनती है। अब सनस्क्रीन कैसी यूज करनी चाहिए, सनस्क्रीन किस तरीके की यूज की जाए वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको लोशन या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। अगर आप बॉडी के बहुत पार्ट के ऊपर सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं तो लोशन या फिर स्प्रे जो सनस्क्रीन आते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। अब सनस्क्रीन लगानी कैसे चाहिए, यदि आप अपने चेहरे के बारे में बात करें तो 1 रुपए के सिक्के यानी जो छोटा चमची होता है उतनी सनस्क्रीन आपको पूरे चेहरे के लिए और गले के इतने भाग के लिए अब अवश्य लगानी चाहिए। ये सनस्क्रीन पूरे चेहरे के ऊपर लगाएं और उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करें। लोग समझते हैं कि अगर इतनी सनस्क्रीन लगाई जाती है तो चेहरा व्हाइट हो जाता है और वो बड़ा चिपचिपा हो जाता है। देखिए, सनस्क्रीन है, उसको एक स्क्रीन बनाएंगे तभी वो सन से प्रोटेक्शन देगी। तो यदि आप इतनी सनस्क्रीन लगाते हैं तो 10 या 15 मिनट के अंदर वो सारी सनस्क्रीन आपकी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो व्हाइटिश पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं। तो यदि आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो इतना आपको 1 रुपए के सिक्के जितनी क्वांटिटी फेस के लिए अवश्य लगानी चाहिए। अब लोग ये सोचते हैं कि इतनी सनस्क्रीन लगा ली तो सारे दिन का काम हो गया, ऐसा नहीं है। यदि आपको सनस्क्रीन लगाई है धूप में जाने से आधा घंटा पहले लगाना है और अगर आप धूप में घूम रहे हैं तो हर 1.5 से 2 घंटे के अंदर उसको रिपीट करना है, क्योंकि सनस्क्रीन का इफेक्ट उतना टाइम ही चलता है। तो अब हमने देख लिया कि कैसी सनस्क्रीन लगानी है, किस एरिया के लिए कैसी लगानी है और कितनी लगानी है। अब बात आती है, यदि आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या देखें। यदि आपको एलर्जी है, यदि आप केमिकल्स से अवॉइड करना चाहते हैं तो आप फिजिकल सनस्क्रीन का उपयोग करें जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड होते हैं, जो कि मेटल पार्टिकल्स होते हैं, तो एक तरह की मेटल की शीट की परत बन जाती है आपके स्किन के ऊपर। जिस तरह अक्सर हमने क्रिकेटर्स में देखा है कि बॉलर यहाँ बहुत सनस्क्रीन लगाते हैं और व्हाइट पैच बन जाता है, उसको जिंक पेस्ट भी कहते हैं। तो वो आपके स्किन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा, वो फिजिकल सनस्क्रीन है, जब आप धोएंगे बह जाएगा। नैनो पार्टिकल जो मेटल्स होते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो अब दिखते भी नहीं है जो जिंक पेस्ट दिखती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके अंदर चाहे फ्रेग्रेंस हो चाहे उसके अंदर थोड़ा कलर हो तब भी आप यूज कर सकते हैं। माताएं और बहनें जो कि बाहर जाती हैं और सनस्क्रीन को मेकअप से पहले लगाती हैं, उनके लिए टिंट बेस्ड सनस्क्रीन भी आते हैं कि वो फाउंडेशन का काम भी कर देती हैं। तो यदि आप बहुत मेकअप करती हैं या बाहर जाती हैं और चाहती हैं कि थोड़ा बहुत फाउंडेशन भी हो सनस्क्रीन में, तो टिंट बेस्ड सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। बच्चों के लिए सनस्क्रीन फिजिकल सनस्क्रीन रखें हमेशा और उनको बार बार लगवाएं, क्योंकि पसीना आता है तो बह जाता है। वाटरप्रूफ सनस्क्रीन भी आती है जो कि स्विमिंग से पहले लगानी चाहिए, और कई बार अगर बहुत पसीने वाली चीजों में आप जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तब भी ऐसी सनस्क्रीन लगानी चाहिए। बट सनस्क्रीन ये ध्यान दें कि सनस्क्रीन लगानी पड़ती है अगर आप सनस्क्रीन पे पैसे बचाना चाहते हैं, अगर आप कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि सनस्क्रीन लगानी ना भी ना पड़े और मैं टैन भी ना हो, कोई प्रॉब्लम भी ना हो, तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, धूप में जाते वक्त कैप हैट या स्कार्फ का प्रयोग करें। और अगर इस तरीके से आप करेंगे तो सनस्क्रीन लगानी भी नहीं पड़ेगी और आप अपने आप को प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल डर्मोवल स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स को सब्सक्राइब करें और हम समय समय पर आपको स्किन और एस्थेटिक्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।